ओम शांति। हम सभी अपने परिवार में सुख शांति चैन चाहते हैं, लेकिन ये सुख शांति कब आएगी? जब हम सब के रिश्ते बहुत सुंदर होंगे, एक दूसरे के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छे तरीके से होगी, प्रेम सम्मान वाली होगी, केयरिंग नेचर होगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? क्योंकि एक एक को बदलना कई बार कहते इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलो हम दूसरे को नहीं बदलेंगे, आज हम एक टेक्निक अपनाएं। आज हम दूसरे को बदलने के लिए नहीं कहेंगे, आज हम खुद बदलेंगे। क्या बदलना है, क्या करना है? सिंपल एक छोटी सी बात करनी है। आज मुझे अपनी फैमिली में फैमिली के एक एक मेंबर की विशेषता को नोट करना है। हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, पेरेंट्स में, बच्चों में, सास बहू में, सभी में विशेषता है, भाई बहन सब में विशेषता है। एक एक के अंदर विशेषता नोट करते जाओ। कोई परफेक्शनिस्ट है, कोई पंक्चुअल है, कोई बहुत अच्छा मेहनती है, किसी में डेकोरेशन की कला बहुत सुंदर है, कोई हाईली कमिटेड है, किसी में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत सुंदर है, और कोई बहुत धीरज से और शांति से डिसीजन लेते हैं। कोई गाता बहुत सुंदर है, तो किसके अंदर डांस की कला बहुत अच्छी है, और यस किसी के अंदर तो खाना बहुत अच्छा बनाते, पाक कला बहुत सुंदर है। नोट कर ली विशेषता? यस, सभी के अंदर की दो दो विशेषता आज आपको नोट करनी है। और यस, जब सारा परिवार एक साथ जब होगा आज, तब आपको एक एक की विशेषता वर्णन करनी है। लेकिन वो कैसे? वो विशेषता वर्णन करने का हमारा तरीका भी बहुत सुंदर होना चाहिए। जैसे आप कोई एक बहुत सुंदर नेचुरल सीन में आप जाते हो, कहाँ जंगल में जाते, पहाड़ी पर जाते, हिल स्टेशन पर जाते, और जब उस ट्रिप से आप लौटते हो और आप उसे वर्णन करते हो, क्या सुंदर सीन थी, क्या अच्छा लग रहा था। उस समय भी, वर्णन करने के समय भी आपके अंदर वो खुशी रहती है, आप ऐसे फील करते हो कि जैसे यू आर नाउ जस्ट देयर। अभी आपको आपके परिवार की विशेषता भी सच्चाई से और खुशी से एक्सप्रेस करनी है, डिस्क्राइब करनी है, वर्णन करनी है। और ये कहना है, मुझे आपकी ये विशेषता बहुत अच्छी लगती है। जैसे कोई परफेक्शनिस्ट है, तो यस हम सभी के सामने कहे, अरे आप इतने अच्छे परफेक्शनिस्ट हो, मुझे आपकी यह विशेषता बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत मेहनती हो, कितनी अच्छी मेहनत कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है आपकी मेहनत रंग लाएंगी, आप बहुत सक्सेसफुल बनोगे, मुझे ये आपकी मेहनत आपकी लगन बहुत अच्छी लगती है। किसी में खाना बनाने की बहुत सुंदर आर्ट है, पाक कला है, आपके हाथ में क्या टेस्ट है, आप जो भी बनाते हैं बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इमेजिन कीजिए, एक एक सदस्य की विशेषता आप दिल से, सच्चाई से, प्यार से और उमंग उत्साह से वर्णन कर रहे हो, घर का माहौल क्या बन जाएगा, कौन सी एनर्जी छा जाएगी? बहुत सच्चाई, उमंग उत्साह वाली, एक दूसरे के प्रति सम्मान वाली, प्यार वाली। सभी एक दूसरे को किस नजर से देखेंगे? ये भी विशेष आत्मा है, वो भी विशेष आत्मा है, सबका एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा। जिस परिवार में एक दूसरे के लिए शब्द दिव्यता से, सम्मान से, प्रेम से,
सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर ऐसे उच्चारण किए जाते हैं, वो परिवार समस्याओं से दूर रहता है। तो आज क्या करना है? परिवार के साथ इन सुंदर शब्दों का प्रयोग। अच्छा, सिर्फ परिवार के साथ ही नहीं, हाँ, फ्रेंड सर्कल, योर वर्क प्लेस, देयर इज मैजिक इन योर वर्ड्स। एक्सपेरिमेंट। ओम शांति।